इस फिल्म के बारे में आपके कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, व्हाट इज योर कैरेक्टर? जी मैं इस फिल्म में एक फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वन ऑफ द मेन लीड कैरेक्टर, और करना का मतलब जो ना मेन लीड जो लड़का है उसका उसके फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो किस तरह की मूवी है, जो टाइटल जो है अगर बात करें, किस तरह की मूवी है इंद्र जी? जी ये हम लोग माइथोलॉजिकल भी नहीं बोल सकते हैं इसको, और कॉस्ट्यूम ड्रामा भी नहीं बोल सकते हैं जी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कमर्शियल सिनेमा, इसको बोल सकते हैं कि सब कुछ है, मसालेदार है मगर माइथोलॉजिकल नहीं है, और बेसिकली कॉस्ट्यूम से ज़्यादा प्रभावित है। आपके साथ में सह कलाकार कौन कौन है? मेरी साथ जो करना की माँ बनी है, जो मेरी लीडिंग एक्ट्रेस मेरे साथ जो है वो दीपशिका है। और जो दो नेगेटिव कैरेक्टर है वो कौन कौन है? एक शाहबाज़ खान जी हैं, और जो नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, और एक सुदेश बेरी जी हैं जो पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं। दो कबीलों की कहानी है, जो दो कबीले में एक चित्रा जिसमें शाहबाज खान साहब हैं और एक में सुदेश बेरी साहब हैं। ये फिल्म आपने क्या सोच के साइन की? गुड सब्जेक्ट, गुड कैरेक्टर, गुड मनी, व्हाट? जी गुड मनी तो हिसाब नहीं है, मैंने गुड कैरेक्टर सोच के ये फिल्म डेफिनेटली साइन की है, क्योंकि इसमें कुछ एक पहली बार मैं करने जा रहा हूँ कॉस्ट्यूम ड्रामा, जो मैंने कभी किया नहीं है, एंड बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी है, एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट रोल है जो कि अपने आप में एक चैलेंजिंग है, सो आई लव द चैलेंज एंड आई लव दिस फिल्म। ये पिक्चर आपके हिसाब से आपके कैरेक्टर को कहाँ तक के बूस्टअप देने वाले, क्योंकि कैरेक्टर नया है, आपको लगता है कि ऑडियंस के लिए कोई नया बनाएगा? जी मैं अभी मेरी 3 फिल्में तो ऑलमोस्ट रिलीज पे हैं, एक और ये फिल्म आ गई है, और ये फिल्म अपने आप में उन सबसे डिफरेंट है, तो मुझे लगता है कि रेंज ऑफ सिनेमा मेरे लिए बढ़ जाएगा, और रेंज ऑफ मतलब जहाँ पे मैं लीडिंग रोल प्ले कर रहा हूँ और इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो अपने आप में आजकल की जो फिल्में बन रही हैं उसमें कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं लोग, लीडिंग रोल आजकल कोई प्ले नहीं कर रहा है एक्सेप्ट 3 खान्स और 3 बिग मेगा स्टार्स जो आज हैं, अदरवाइज देखा जाए तो आजकल हर कोई कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है, और मूवी अपने आप में एक मूवी ही एक्चुअल में हीरो हैं, और मूवी का सब्जेक्ट ही हीरो हैं फिल्म में, जो कि इस फिल्म में भी है। व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द मूवी, सब्जेक्ट, म्यूजिक, कैरेक्टर, व्हाट? नहीं डेफिनेटली मैं सबकी बात करूँगा, कहानी डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है, सो कहानी एक यूएसपी है, और दिलीप सेन जी हैं, उनका म्यूजिक है तो वो भी एक तरह से यूएसपी है, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, गुड डायरेक्शन, गुड स्टोरी, गुड म्यूजिक एंड गुड कैरेक्टर्स। हम ये नहीं पूछना चाहते कि और फिल्मों में आप क्या कैरेक्टर कर रहे हो, लेकिन ये जरूर पूछना चाहेंगे कि कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं और सबसे पहले कौन से लगने वाले हैं? अभी मेरी सबसे पहली फिल्म आ रही है हु इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ माई फादर, तो वो एक आ रही है, उसके बाद दूसरी आ रही है मोहब्बत है क्या चीज़, और उसके बाद आ रही है फटी पड़ी है यार, क्योंकि कॉमेडी फिल्म है। क्या लगता है इन तीनों फिल्मों से आपको कि कैसे किस नजरअंदाज? मैंने वांटेड के बाद काफ़ी लंबा ब्रेक लिया, वांटेड के बाद मेरी कोई फिल्म नहीं आई है, एक छोटी फिल्म मैंने बीच में की थी ये दूरियां करके, और उसके बाद मैंने कोई फिल्म नहीं की, और मैं काफ़ी देर वेट किया मैंने काफ़ी कुछ समय, और उस दरमियान मेरी बेटी पैदा हो गई, तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा मशरूफ था, बट उसके बाद जब मैंने आज ये 3 फिल्में कंप्लीट की और अभी ये नई फिल्मों पे जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से मेरा कमबैक होगा, और एक तरह से लोग मुझे एक नए रूप में, एक नए जॉनर में देखेंगे, और एक डिफरेंट इंद्र कुमार को देखेंगे। इंद्र कुमार जी, जैसे कि बात करें, इससे पहले भी आप चंद्रकांत जैसे शो कर चुके हैं, ये कितना मतलब कितना मुश्किल होता है गर्मी में इतना बड़े बड़े महंगे कॉस्ट्यूम और भारी भरकम पहनना? जी मेरे लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल गांव का एक आदिवासी हूँ, और आदिवासी नहीं हूँ सॉरी, गांव वाला हूँ, सो इसलिए आदिवासी कैरेक्टर मेरा है नहीं, और आदिवासी कपड़े नहीं है मेरे पास, सो मेरे जो कपड़े हैं बहुत बहुत सिंपल हैं, और बहुत गर्मी वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं। थैंक यू वेरी मच इंदर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पूरा बोल ठीक है या रोलिंग सर, एक्शन। नमस्कार, मेरा नाम श्यामल के मिश्रा है, मैं इस फिल्म का क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, और मेरी पहली फिल्म थी आगे एज असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक साह के साथ,
मैंने काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर को असिस्ट किया है और मैं इंडिपेंडेंट 2012 में मैं लॉन्च हुआ। इस फिल्म में मैं मुकेश जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रोड्यूसर से मिलकर मुझे लगा कि मुकेश की पहली फिल्म है और मुकेश को मैं हर तरह से सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब इतने अच्छे हैं कि जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो ना नहीं। सुना इसमें एक गाना भी लिखा आपने, किस तरह का गाना है? उसके लाइन क्या है कि मेलोडी सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, एक लाइन सुना दीजिए। तू ही मेरी यारी जो, तू ही मेरी जुस्तजू, चाहत है मेरी यही तू रहे उम्र भर साथ ही, तू मेरे मैं तेरे कीना। सॉरी, टाइटल सॉन्ग है। शामिल जी, आपने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ में काम किया है, बड़े बड़े फिल्मों में काम किया है, ये फिल्म आपको किस स्टैंडर्ड की, किस लेवल की लगती है? सर, ये फुल टू कॉमर्शियल मसाला फिल्म है जो दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। एक कस्टम ड्रामा है, जंगल की कहानी है, अलग जोनर है और इसमें डिफरेंट सारे लोकेशंस डिफरेंट्स हैं और काफ़ी अच्छी मूवी है सर। दो अलग अलग कबीलों को दिखाया गया है जिसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं और जिसको लीड कर रहा है क्रीना यानी कि पार्थ चौहान। इस पिक्चर के जितने भी मेन कैरेक्टर है सारे के सारे ए टू जेड, सारे के सारे स्मॉल स्क्रीन से लेकर बिग स्क्रीन पे जंप मर रहे हैं, तो टीवी के सारे एक्टर को लेने की कोई खास वजह? सर, ये कलाकार हमारे कैरेक्टर में बिल्कुल फिट, जिनको हमने कास्ट किया है बड़ा सोच समझ के कास्ट किया है क्योंकि बहुत सारे चुनिंदा कलाकारों को हम लोगों ने चुना, सेलेक्ट किया, मिला, देखा, फिर हमें लगा कि ये हमारे कैरेक्टर में पूरी तरह से फिट है, इसीलिए कैरेक्टर को बहुत कुछ सोच समझ के हम लोगों ने। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू दिलीप सिंह। हाँ सर, क्या क्या कहना चाहेंगे सर म्यूजिक के बारे में बात करें? पहले तो नमस्ते तो करने दें। नमस्ते तो। नमस्कार जी। जी हाँ, मैं संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन में से दिलीप सेन। आज मेरी 251वीं फिल्म का मुहूर्त है, टाइटल है क्रीना। जैसे अमूमन हर संगीतकार या हर कोई यही कहता है कि मेरी हर फिल्म का म्यूजिक हटके, मगर मैं ज़रूर इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि क्रीना फिल्म का जो संगीत मैंने दिया है बाकी फिल्मों से हटके भी है और सुपरहिट भी है, डट के भी है। सर, किस तरह का म्यूजिक है इसमें, मतलब क्योंकि फिल्म भी बहुत थोड़ा हटके है ये। हटके है तो देखिए, रोमांटिक तो गाना होगा ही, बट हाँ इसमें एक पर्टिकुलर, जैसे एक गाना डायरेक्टर साहब ने, मतलब श्यामल जी ने और मुकेश जी ने जो मुझे सिचुएशन दी वो मेरे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कह सकता हूँ या ये कह सकता हूँ थोड़ी सी मुश्किल थी, मगर निकाला भी इन्हीं लोगों ने मुझे उसमें से, क्योंकि एक गाना जब हम कंपोज करते हैं तो वो एक गाने के रूप में रहता है और वो सीधा सीधा चलता रहता है, बट जब इस फिल्म का गाना, क्या गाना चलेगा अलग मूड में, फिर मुखड़े के बाद में फिर अलग से हो जाएगा और फिर फर्स्ट म्यूजिक में अलग होगा तो उसके बाद में सेकंड म्यूजिक में और भी अलग हो जाएगा, तो ऐसे 3-4 चेंज ओवर और करेक्टर वही रहना चाहिए, धुन वही रहनी चाहिए, तो मुझे लगा कि वो गाना करने के लिए थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुई, मगर आई होप कि वो गाना जब रिकॉर्ड हो चुका तो मुझे लगता है वो फिल्म की जान बनेगा। यानी इस पिक्चर के अंदर जो म्यूजिक हटके हैं तो इसमें वेस्टर्न नहीं, नहीं वेस्टर्न कल्चर नहीं है इसका, क्योंकि आदिवासी बैकग्राउंड इन्होंने रखा हुआ है, पहाड़ी बैकग्राउंड है इसका। अगर मैं ये कहूँ तो भी चले गए, जैसे एक ज़माने में मधुमती फिल्म आई थी जिसमें संथाली गेटअप था, वो मादल, और मतलब इसमें पर्टिकुलर ये नहीं कि आप इसके अंदर वो मतलब सैक्सोफोन या ड्रम या कोंगो बोंगो तुम्बा आजकल का माहौल का म्यूजिक नहीं है। माँ साउंड आजकल का ज़रूर है क्योंकि आजकल जो डिजिटल साउंड चाहिए, जो डीजे वाला साउंड चाहिए वो ज़रूर है, बट वो आपको प्रॉपर इंडियन में ही मिलेगा, जो मादल वगैरह हम लोगों ने यूज़ किए, पखावजें यूज़ की है, फ्लूट्स है, कोरस का स्टाइल है, तो काफ़ी कुछ है। मैं इतना कहूँगा कि प्योर इंडियन फील का म्यूजिक है। थोड़ा ज़्यादा तो एक गाना गुनगुनाएंगे, एक लाइन सर इसकी, जो गाना आपने म्यूजिक इसमें दिया है, एक लाइन। नहीं नहीं, माइक थोड़ा ऊपर लेना। इस फिल्म में जो आप यार एक मिनट कट इट करो पहले। हाँ या रोलिंग रोलिंग। हाँ सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। बात करें इस मूवी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आज इसका फर्स्ट शेड्यूल है और अनवील करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे दर्शकों को? माइक ऊपर थोड़ा। इस फिल्म का नाम है ज्योति बनेजवाला, खामोश। क्रीना का मतलब है, मतलब कृष्णा से का ही एक अलग रूप है क्रीना, और
हीरो हैं, वो एक यंग वॉरियर है। इसमें बहुत सारे पैगाम हैं इस फिल्म में। सबसे बड़ा तो इंसानियत का पैगाम है कि हमेशा अच्छाई बुराई से जीतती है, ये हमेशा देखा गया है दुनिया में। और जहाँ बुराई की बात हो रही है, मैं यहाँ इसमें एक बुरे क्या कहते हैं कबीले का एक सरदार है। कहानी जंगल की है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है, और ये कबीले का सरदार है जो कि बहुत क्रूर है। जो मेरा किरदार है इसका नाम है चित्रा, और इसकी और करीना जो बच्चा है वो हमेशा करीना को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ये जानता है सरदार के इसका अंत जो है वो बच्चा ही करेगा। तो ये इस तरह की फिल्म है। स्पेशल इफेक्ट्स भी हमारे नए प्रोड्यूसर हैं चौहान साहब, और डायरेक्टर नया है, यंग है, मुकेश कुमार। टीम बहुत ही, टेक्नीशियंस जो हैं सारे नए हैं। दिलीप सेन जी का म्यूज़िक है जो कि अपने आप में एक लेजेंड है। और इस फिल्म के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये फिल्म एक नई किस्म की फिल्म है, एक बहुत ही डिफरेंट जॉनर की फिल्म। मेरा एक सवाल है कैमरा लुक रखना, कि आपने ये फिल्म क्या सोच के साइन, गुड कैरेक्टर, गुड सब्जेक्ट, गुड डायरेक्टर, व्हाट इज द प्लस पॉइंट फॉर योर साइड? मैं बताता हूँ आपको, देखिए मैं जब फिल्म साइन करता हूँ तो करता हूँ जब कोई फिल्म, तो मैं हमेशा यही देखता हूँ कि अपना किरदार क्या है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने पूरी फिल्म को देखा। ये फिल्म जो है पूरे तौर से एक बहुत ही सक्षम फिल्म है, बहुत ही मैसेज वाली फिल्म है। और इस तरह की कॉस्ट्यूम ड्रामास करना तो मुझे बेहद शौक है। जैसे अभी मैं एक नए स्टार प्लस के शो में मल्लारा होलकर बन गया आ रहा हूँ। तो इस फिल्म में जो है मल्लारा और होलकर बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, उन्हें स्टोरी सब जानते हैं। इस फिल्म में जो है ये नेगेटिव कैरेक्टर है, इसलिए किया मैंने क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है, और वो बच्चे के साथ जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है, वो कंस मामा और कृष्ण जी का जो कॉन्फ्लिक्ट था उस पर लूजली बेस्ड है। उस बिल्कुल ये इस उसमें मत रहिएगा कि ये वही कहानी है, बिल्कुल नहीं है। इसमें सारे दांव पेच अलग है, एक अलग पहलावों के साथ ये कहानी पेश की गई की जाएगी। इस कहानी पर बहुत काम किया गया, 4-5 साल से ये कहानी लिखी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाहुबली जितना बड़ा हमारा बजट तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि टेक्निकली उससे 19 ना हो पिक्चर। शाबाश भाई, आप दोनों तरफ इस टाइप पे बिजी हो, स्मॉल स्क्रीन पे और बिग, आपको कहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कहाँ पैसा मिल रहा है? देखिए सेटिस्फेक्शन तो मुझे जब सेट पे मैं जाता हूँ, चाहे वो सीरियल हो चाहे फिल्म हो, दोनों तरफ मुझे बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलता है। पैसा जो है, देखिए पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं आया राम गया राम। पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए हमेशा काम करता आया हूँ, करता रहूँगा हमेशा। और हर कलाकार यही है। और पैसा तो ये यहाँ पे लिखा होता है नसीब, इसके नसीब में जितना पैसा लिखा है उतना ही आता है, उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है एक अदाकार, एक कलाकार के लिए, चाहे किसी भी तरह का हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, जो भी, कि उसको एक अच्छा रिजल्ट नज़र आए सिनेमा में या टेलीविजन, जो ऑडियंस उसको सराहे। सराहना से बड़ी दौलत एक कलाकार के लिए कोई नहीं होती, और मैं सराहना के लिए काम करता हूँ। मुझे खुदा का बहुत शुक्र है कि मुझे हमेशा अपने काम के लिए सराहा गया। 25 साल मुझे इंडस्ट्री में काम होते हो गए ऑलमोस्ट, और मुझे अपनी ऑडियंस से इतनी मोहब्बत मिली और इतनी सराहना मिली, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात। शाबाश भाई, 25 साल का जो करियर आपने जो पार किया है उसको पलट के अगर देखते हो तो आज अपने आपको किस मकाम पे पाते हो? देखिए ये एक आता समंदर की तरह है, ये समंदर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। चाहे हम हो, चाहे शाबाश खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सब उस समंदर में अब तक कुछ ना कुछ तलाश करते रहे, और वो समंदर हमेशा कुछ ना कुछ देता रहेगा। तो ये कहना कि हम आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, ये
ये सवाल, इस सवाल का जवाब खुद यही है कि कोशिश चल रही है। एक कलाकार की जो प्यास है वो कभी बुझती नहीं है, तो किसी न किसी तरह कोशिश की जा रही है कि उस समंदर में से कुछ और निकाला जाए, उस समंदर का कुछ और हिस्सा बन के सामने आया जाए। तो हम सब कलाकार अदाकार, चाहे बड़े हों छोटे हों, हमसे नए हों पुराने हों, सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारा काम और हम जो कहना चाहते हैं समाज को वो किसी तरह लोग एक्सेप्ट कर लें और हमारे काम को दाद। सर ऐसा नहीं है कि आपने अरे बस इतना कोई लंबा तरफ सर